हेलो, कहाँ खो गए? कौन हो और क्या काम था? वो जी, मेरा नाम राहुल है। शायद मेरी आपसे बात हुई थी फोन पर, पेन गेस्ट के लिए। ओ अच्छा, तो ऐसा बोलो ना, ऐसे खड़े होकर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? हाँ जाओ, अंदर आ जाओ। हेलो, आओ अंदर आओ। हाँ देखो, अगर इस घर में रहना है तो यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। नो फ्रेंड्स, नो गर्लफ्रेंड्स, नो ड्रिंक, नो स्मोक, और हाँ, अगर 10 बजे के बाद घर में आते हो तो नो एंट्री। और घर की सफाई का ध्यान रखना होगा। डोर की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। अगर ये सब रूल्स फॉलो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो दरवाजा खुला है, अब जा सकते हैं। हाँ नहीं, ठीक है, मेरा मतलब है मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, तो 10,000 रेंट, तो डोर ओपन। या ओके। जी स्टॉप इट यार, सही बता रहा हूँ, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना तो मैं उस घर पे कभी नहीं रहता। हाँ यार, जिस टाइप से तुमने बताया उस हिसाब से तो लगता है तुम्हारे लैंडलॉर्ड हिटलर की बेटी ही होगी। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है मेरी बातें सुनकर? और नहीं तो क्या, इस टाइप के कैरेक्टर मिलते कहाँ हैं? हाँ यार, मतलब तुम एक बात बताओ, वहाँ फ्रेंड्स अलाउड नहीं है? अब तुम ही बताओ, मैं तुमको वहाँ कैसे बुलाऊंगा? और एक बात बताऊं, कल रात को मैं तुमको बहुत मिस किया। अच्छा, वैसे क्यों किया जा रहा था मुझे मिस? क्योंकि मेरा मन कर रहा था तुमको करने को किस। सुनो ना, एक किस दो ना। पागल हो क्या? पता है ना लास्ट टाइम क्या हो गया था, कैसे मैं 500 रुपए देने पड़ गए थे उस हवलदार को। अरे तुम्हें किस करने के लिए 500 क्या, 1,000, 2,000, 3,000 देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा? आज आने दो हवलदार को, देख लेंगे, किस तो आज मैं लेके छोड़ूंगा। एक किस दो ना प्लीज। अरे अरे रुको रुको, अरे रुको रुको रुको। आज कहाँ जाओगी? अरे अरे अरे, ए ए ए ए ए पकड़ लिया, ए ए ए, अरे अरे, हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ, हाँ, अरे अरे रुक जाओ।
फिर हाँ What do you mean? कि तुमने पैसे भेज दिए तो तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया? कि तुम्हारी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है मेरे लिए? सचिन, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी अकेलापन फील होता है, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है, मेरा भी मन करता है कि तुम कभी मेरे पास रुको, मतलब तुम्हें मेरी खुशियों की कुछ नहीं पड़ी, तो ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना। सॉरी, वो मैं अपने कपड़े लेने आया था। इट्स ओके, ये मेरा रोज का है। राहुल। हाँ? अरे आओ ना। जी मैं अब कमरे में कमाने आ रहा हूँ ना। बैठो। जी मैं कमान यार। हाँ। स्मॉल या फिर लार्ज? मैं ड्रिंक नहीं करता। पानी के साथ लोगे या फिर सोडे के साथ? रियली मैं ड्रिंक नहीं करता। ओके, योर चॉइस। ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो स्मार्ट बॉय। चीयर्स। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। छुप छुप कर मेरी बातें सुनते हो और छुप छुप कर मुझे भी देखते हो। आई एम सॉरी बट मैं ये सब इंटेंशनली नहीं करता। आई एम सॉरी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, आपके घर परिवार, फैमिली मेंबर्स एंड आपके हस्बैंड? हस्बैंड है लेकिन वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाना। लेकिन मेरे अकेलेपन का एहसास उनको समझ नहीं आता। जब चाहूं जितना चाहूं उतने पैसे भेज देते हैं। उनको यह समझ ही नहीं आता कि इंसान को सिर्फ पैसे की भूख नहीं होती है, और भी ऐसी बहुत सी जरूरतें होती हैं।
आई एम सॉरी, मुझे ज्यादा चढ़ गई। मैं सोने जाती हूँ। चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ। आराम से आराम से। तुम कितने अच्छे हो ना। मेरा पति बहुत बुरा है। तुम कितनी केयर करते हो मेरी ना। तुम यहीं पे रुको। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, यहीं सो जाना। मत जाना। Thank you.
मेरे रूम में क्या कर रहे हो? और क्या किया तुमने मेरे साथ? और मेरे मेरे कपड़े? बोले क्या किया तुमने मेरे साथ? तुमने मेरे साथ, यू बास्टर्ड! मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी, रेप केस करूंगी तुम पर। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आपने। तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने तुम्हारा रेप किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सिचुएशन। व्हाट सिचुएशन? तुम्हारी सिचुएशन की माँ की। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं, प्लीज मैम, ऐसा कुछ मत करिए। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप प्लीज पुलिस को कॉल मत करिए। अच्छा ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन मैं जो बोलूंगी वह तुम्हें करना पड़ेगा। जी ठीक है, आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगा। ठीक है। कोई है? बचाओ बचाओ, कोई है! मैंने कहा था ना कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा कोई और नहीं हो सकता है, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। अगर मैं ये सब करने से मना कर दूं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और रेप केस का इल्जाम लगाऊंगी तुम पर। मेरे पास सबूत भी है, देखना चाहोगे?